आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। 23 अक्टूबर 2011 की शाम तारबहार रेलवे फाटक पर हुए हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। रेलवे पटरी के दोनों ओर रिहायशी इलाके होने की वजह से लोग पटरी पार कर आवाजाही करते थे, जिस कारण यह हादसा हुआ। इसके बाद वर्षों पुरानी मांग पर रेल प्रशासन की नींद खुली और यहां अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन हमेशा की तरह रेलवे के अधिकारियों ने अव्यवहारिक फैसला लेते हुए ऐसा अंडर ब्रिज बनाया जिससे समस्या अब भी बरकरार है। तारबहार से सरगिट्टी की ओर अंडर ब्रिज को अधूरा बनाया गया। अंडर ब्रिज जिस स्थान पर खत्म होता है उसके बाद भी रेलवे की पटरी होने की वजह से मालगाड़ी की आवाजाही के दौरान लोगों को अब भी इंतजार करना पड़ता है और इस वजह से दुर्घटना की आशंका भी बरकरार है। इसके निदान के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है, जो रेलवे बिलासपुर में सड़क निर्माण तक के लिए फंड की कमी का रोना रो रहा है। इससे अंडरब्रिज के विस्तार या ओवरब्रिज निर्माण की उम्मीद की जा रही है। इसी मुद्दे पर गुरुवार को बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग बन्नाक चौक सरगिट्टी से जुलूस की शक्ल में DRM और जोन ऑफिस पहुंचे। इसकी सूचना पहले से होने की वजह से रेलवे जोन और DRM ऑफिस के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। हाथों में तिरंगा लिए आंदोलनकारियों ने यहां रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस समस्या के निदान की मांग की। वहीं इस मुद्दे पर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा जाना है। रेल अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि अंडरब्रिज बनाने का काम प्रगतिशील है और जल्द ही यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। LHS बनाने की मांग थी, जो है सबवे बनाने की, जो है उसके लिए आश्वासन नहीं दिए कि जो है उसके जो LHS बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया में है, जो है टेंडर अंडर प्रोसेस है और उसके फाइनल होते ही काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। कब तक का समय निर्धारित हुआ है, कब तक? देखिए टेंडर जो है फाइनल होने की एक जो है टाइम लगता है, जो है 2-3 मंथ्स जो टाइम लगेगा, उसके बाद भी जो है। तो सर आंदोलन का इंतजार था या रेलवे इस पर पहले से विचार कर रही थी? रेलवे पहले से विचार कर रही थी। आंदोलन के एक दिन में कोई चीज़ प्रक्रिया में नहीं आता है, पहले से जो प्रक्रियाधीन था, स्कीम और ये सारी चीज़ें फाइनल हुई है। तकनीकी गलती इस तरह की नहीं थी। उस समय जो मेन रिक्वायरमेंट थी इधर बना था, लैंड वगैरह की इशूज थे जो है, इसलिए जो कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी क्या हालात है लैंड के सर? टेंडर तो आप करने जा रहे हैं, अभी लैंड की जो है रिक्वायर्ड नहीं होगी, प्राइवेट लैंड स्कीम चेंज करके उसे बना दिया। हमारे द्वारा 29, 30 और 31 अगस्त को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हमारा मुख्य मांग है कि सरगिट्टी तारबहार रेलवे फाटक, इससे हमें निदान दिलाया जाए। आज से 11 वर्ष पूर्व की बात है, धनतेरस के दिन वहां पर 18 सरगिट्टी वासी कट के ख़त्म हो गए थे मालगाड़ी से, जिसके बाद रेल प्रशासन जागा और एक आधे अधूरे अंडरब्रिज का निर्माण करके हम सरगिट्टी वासियों को दिया गया है। पहले जो अभी दो रेल लाइनें छूटी थी उसमें मालगाड़ी का परिचालन नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं पता क्यों रेल विभाग द्वारा सरगिट्टी से ऐसी क्या दुश्मनी है, अंडर ब्रिज बनाने के बाद उन दो पटरियों पर मालगाड़ी धड़ाधड़ शुरू कर दी गई। आप ही जाते हैं, हमारे रहवासी हैं, साथ में आपके पत्रकार भाई लोग भी होंगे जो सरगिट्टी परिक्षेत्र में रहते हैं, वो खुद देखते होंगे एक घंटे में 3 से 4 मालगाड़ियाँ चलती हैं और उन 4 मालगाड़ियों में चलने के कारण मुश्किल से एक घंटे में 10 से 15 मिनट ही फाटक हमारा ओपन हो पाता है। उसी 15 मिनट में उन बच्चों को जाना है जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, कई पीड़ित व्यक्ति जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं वो फाटक पार करते हैं। कई बार फाटक बंद होने के कारण कई लोगों के प्रसव भी हुआ है वहाँ पर। मैं एक आपको बताना चाहूँगा, कल की ही बात है, एक एम्बुलेंस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंडर ब्रिज का निर्माण हो और हम सरगिट्टी वासियों को इस फाटक से मुक्ति मिले। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।